हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विनोद जांगड़ा, एक लेटेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको डाई के बारे में, टेप के बारे में, टूटे हुए टेप या स्टड को कैसे निकाला जाता है, इसके बाद टेपिंग करने के लिए ड्रिल साइज को कैसे ज्ञात किया जाता है काफ़ी ईजी तरीके से, और फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगा। तो इससे पहले डाई और टेप के बारे में पूरा पढ़ेंगे, इसके बाद में एनसीवीटी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। क्वेश्चन नंबर एक देख लेते हैं, डाई। तो डाई की डेफिनेशन क्या रहेगी? डाई एक चूड़ी काटने वाला कटिंग टूल है। डाई का प्रयोग किसी भी गोलाकार जॉब या पाइप के बाहरी व्यास पर चूड़ी काटने के लिए डाई का प्रयोग किया जाता है। डाई हमेशा हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। जो डायग्राम में दिखाया गया है यह आपकी एडजस्टेबल डाई है, तो इसको क्या बोलते हैं? डाई स्टोक। तो इसके अंदर टू पीसेस डाई लगाई जाती है। तो ये देखिए, यहाँ पे दो पीस है, एक पीस ये है और एक ये है। तो इसमें दो तरह के इस डाई के अंदर गुटके लगाए जाते हैं जो कि किसी पाइप के ऊपर डाई को एडजस्ट करने के लिए टू पीसेस डाई इसमें रखी गई है। साथ में इस डाई स्टॉक के अंदर यहाँ पर दो तरह के बोल्ट लगाए जाते हैं जो कि टू पीसेस डाई को आसानी से क्लैंप करते हैं और डाई को एडजस्ट करते हैं। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पे इस तरह की जो डाई है, ये वाली डाई, तो यहाँ पर ये डाई लगा दी जाएगी। डाई को लगाने के लिए निचले सिरे के ऊपर यहाँ पे एक खोखला भाग है, वहाँ से इस डाई को आसानी से लगाया जाता है। इसके ऊपर एक कॉलर को आसानी से टाइट कर दिया जाता है जो कि इस डाई को क्लैंप करेगा। साथ में प्रिय विद्यार्थियों, डाई को लगाते समय एक सावधानी आपको रखना अति आवश्यकता है। ये देखिए, ये जो डाई आपको दिखाई दे रही है, इस डाई के नीचे का जो भाग है, इसके अंदर तीन से चार चूड़ियाँ टेपर में ग्राइंड की होती है। तो इसका जो मुंह जो रहेगा वो नीचे की तरफ रखा जाता है। दूसरी पहचान क्या रहेगी? ये जो डाई है, डाई के ऊपरी भाग पे देगी, यहाँ पे एक नंबर और यानी डाई का साइज दिया होता है, वो इस स्थान से हमें दिखाई देना चाहिए कि बाहरी भाग से भी हम डाई का साइज आसानी से पढ़ सकें। डाई का प्रयोग करते समय हमेशा लुब्रिकेंट का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यह आपकी रैचेट डाई है। कौन सी डाई है? रैचेट डाई का प्रयोग आधुनिक युग के अंदर सबसे अधिक किया जाता है। तो ये आपका रैचेट स्टॉक है और यह आपकी रैचेट डाई है। तो इसमें इस तरह की डाई है, वो फिक्स रहती है, फिट रहती है। तो अलग अलग डाई है, इसका साइज़ हम देख लेते हैं। यह आपका जो डाई स्टॉक जो रहेगा, डाई रहेगी 2 इंची रहेगी, और यह आपकी रहेगी 1.5 इंची रहेगी, यह आपकी रहेगी 1 इंची रहेगी, और यह आपकी 0.25 इंची यानी 3/4, और ये डाई रहेगी आपकी 0.5 इंची। अब इसका जो नाम रखा गया है रैचेट, तो रैचेट कैसे दिया हुआ है, इसका नाम कैसे रखा गया है? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर एक लीवर लगा हुआ है। इस लीवर को जैसे ही हम इसको उठाएंगे ऊपर की तरफ, तो अगर इसको रोटेट करेंगे, जैसे मैंने इसको ऊपर कर लिया, करने के बाद में ऐसे पकड़ के इसको अगर हम घुमाएंगे, तो इस लीवर के कारण इस स्टॉक को हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में हम इस डाई को घुमा सकते हैं। डाई का प्रयोग करते समय हमेशा लुब्रिकेंट का भी प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न, यह है आपकी सॉलिड यानी फिक्स डाई के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये फिक्स इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि ये जो डाई है, ये वाली जो डाई है, इसके अंदर फिक्स हो जाती है, इसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते। और यह डाई लगाने के बाद यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ होता है, इसके द्वारा इस डाई को टाइट कर दिया जाता है ताकि हमारी डाई चूड़ी काटते समय हिले ना। तो ये देखिए, जो डाई दी हुई है इसके ऊपर एक नंबर आपको नज़र आएगा, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। इस नंबर का क्या मतलब है? M6 लिखा हुआ है, M6 × 1.0, इसका मतलब है 6 mm की पाइप के ऊपर इस डाई का प्रयोग
किया जाता है और इसकी जो पिच जो रहेगी वो 1 mm की इसकी पिच रहेगी। और साथ में ये देखिए, क्योंकि इसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते, एम का मतलब क्या रहेगा इसमें, ये देखिए सभी डाई पे लिखा हुआ है M5, M12, यानी M12 का मतलब ये है कि 12 mm, और मीट्रिक एम का मतलब क्या है, मीट्रिक स्टैंडर्ड के अंदर 12 mm की चूड़ी किसी रोड या पाइप के ऊपर आसानी से काटी जा सकती है। डाई हमेशा हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। तो ये इसका क्या है, डाई स्टॉक है, ठीक है। इसमें डाई लगाकर क्लॉकवाइज घुमाया जाता है और पूरा एक चक्कर क्लॉकवाइज, और उसके बाद यहाँ से क्या काम करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज आधा चक्कर घुमाया जाता है। जो चूड़ी या रोड के ऊपर, एक आपको पता है जैसे चूड़ी कटेगी तो एक चिप्स निकलेगा, ठीक है ना, उस चिप्स को काटने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया जाता है और वो चिप्स नीचे गिर जाता है। अगर हम डाई को एंटी क्लॉकवाइज अगर नहीं घुमाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि डाई के अंदर चिप्स फंस जाएगा और डाई हमारी चूड़ी काटना बंद कर देगी और डाई ये जो थ्रेड्स जो होती है, जो चूड़ियाँ हैं, वो ख़राब हो सकती हैं। अगला प्रश्न, यह है आपका टेप रेंच है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें टेप की डेफिनेशन पता होना चाहिए। टेप एक प्रकार का कटिंग टूल है। टेप का प्रयोग किसी भी होल में चूड़ी काटने के लिए टेप का प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए, अलग अलग प्रकार के अलग अलग साइज़ के टेप हैं यहाँ पे। तो इसमें भी दिया हुआ है M12 का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए कि होल किया हुआ है, ठीक है ना, इस होल के अंदर मीट्रिक 12 यानी 12 mm के हम चूड़ियाँ इस होल के अंदर काट सकते हैं। लेकिन किसी होल में चूड़ी काटने से पहले हमें उसका ड्रिल साइज़ ज्ञात करना होगा कि पहले इसके अंदर किसी भी जॉब के अंदर कितने साइज़ का, जैसे ये जॉब है हमारी, अगर यहाँ पे 12 का अगर हमें टेपिंग करनी है तो कितने साइज़ का ड्रिल इसमें लगाया जाएगा, वो क्वेश्चन आगे आएगा और मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ऐसे इसका ड्रिल साइज निकाला जाता है। तो ये आपका क्या है, टेप रेंच, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्या लगाया जाता है, टेप लगाया जाता है। टेप को लगाते समय हमेशा 90 डिग्री के ऊपर लगाना चाहिए। और कैसे चेक करेंगे 90, जैसे आपने टेप लगा दिया, इसके साथ में आपको क्या करना है, ट्राई स्क्वायर को लगाकर ही चेक करना है और हाथों का जो बैलेंस जो रहेगा वो बिल्कुल नॉर्मल और आसानी से, यानी धीरे धीरे हल्के दबाव के साथ हमें टेप का प्रयोग करना चाहिए। टेप हमेशा हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। दूसरा एक चीज़ आपको देखना, ये जो सैंक जो नज़र आ रही है ना, इस सैंक के ऊपर आपको ड्रिल साइज भी लिखा हुआ मिलता है। जैसे ये M12 लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा कि 8.5 mm का 8.5 के पहले ड्रिल करिए, उसके बाद इस पर टेपिंग काटी जा सकती है। टेपिंग का फार्मूला मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, कैसे कैसे ड्रिल साइज ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न, ये देखिए, यह आपके 3 प्रकार के टेप रहते हैं। कभी भी आप एक टेप सेट खरीदोगे उसमें 3 तरह के टेप मिलेंगे, ठीक है। तो पहले टेप का क्या नाम है, टेपर टेप। टेपर टेप का प्रयोग हमेशा, जैसे आपने होल किया हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम फाइनल टेप का प्रयोग करेंगे तो वो इसके अंदर नहीं लग पाएगा। इसकी जो आगे की चूड़ियाँ देखिए, यहाँ पर जो थ्रेड्स बनी हुई है, इस टेप को आगे से चैम्पर किया हुआ है, ठीक है ना, तिरछा किया हुआ है, इसलिए किया हुआ है ताकि वो होल के अंदर आसानी से जा सके और हल्की हल्की चूड़ियाँ बना ले। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, टेपर जो टेप होता है उसकी कितनी चूड़ियाँ आगे से ग्राइंड की होती है या चैम्पर की होती है, तो वो की होती है आपकी 7 से 10, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा इंटरमीडिएट टेप, अलग टेप यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, गलत है ये, यहाँ दूसरे टेप का क्या नाम है, इंटरमीडिएट टेप, ठीक है। इंटरमीडिएट जो टेप रहेगा इसकी कितनी चूड़ियाँ आगे से चैम्पर की होती है, 3 से 5, ठीक है ना। यह आपका सेकंड टेप रहेगा, पहला हम ये चलाएंगे होल के अंदर, उसके बाद दूसरा चलाएंगे और उसके बाद में फाइनल टेप नाम रहेगा इसका, वोटविंग भी रहेगा और प्लग टेप भी रहेगा। 3 नाम है इसके, प्लग टेप, वोटविंग टेप और फाइनल टेप। फाइनल टेप है उसकी चूड़ियाँ देखिए आगे से, 1 से 2 चूड़ियाँ इसकी चैम्पर की होती है। फाइनल जब हमें टेपिंग करनी है तो वोटविंग टेप का हमें प्रयोग करना चाहिए। टेपिंग करते समय हमेशा
लुब्रिकेंट का प्रयोग भी करना चाहिए। टेप को भी आपको हमेशा क्लॉकवाइज और उसके बाद में हाफ चक्कर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए। जैसे ये टेप दिया हुआ है, इसके ऊपर भी हमेशा आप देखना ड्रिल साइज भी लिखा होगा और टेप का साइज भी लिखा हुआ मिलेगा। एक पहचान इसकी और रहती है, जैसे ये टेप पर टेप है, आपको पता नहीं है कि भी ये कौन सा टेप है, तो पहला जो टेप रहेगा उसके ऊपर एक लाइन मिलेगी, दूसरा टेप रहेगा उसके ऊपर दो लाइन मिलेगी, तीसरा जो टेप रहेगा उसके ऊपर तीन लाइन रहेगी। ऐसे भी इस टेप की आप पहचान कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए टूटे हुए, ये टूटा हुआ टेप है, टूटे हुए टेप को निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कई बार हम टेपिंग करते हैं, ठीक है, तो टेपिंग टूटने का कारण क्या है, टेप टूटने का, तो पहला कारण तो ये है कि जैसे हमने होल किया, ठीक है, इस होल के अंदर अगर हमें टेपिंग करनी है, इस होल के अकॉर्डिंग हमारे पास टेप अवेलेबल नहीं है या गलती से हमें इसका साइज़ का नहीं पता है और इसके अंदर थ्रेड बनाने की अगर हम कोशिश करते हैं, क्योंकि होल का जो साइज़ है वो छोटा रह जाता है और टेप का साइज़ बड़ा हो जाता है, इसलिए टेप यहाँ से ब्रेक हो जाता है। टूटे हुए टेप को कैसे निकाला जाता है, तो इसका नाम क्या है, ये है आपका टेप एक्सट्रैक्टर। तो ये सबसे अच्छी विधि है, एक अच्छा एक तरह का टूल है जो कि टूटे हुए टेप को आसानी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो डायग्राम में नीचे देखिए, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, टेप लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है ब्रोकन टेप, टेप यानी टूट चुका हुआ, आगे से टूट चुका है पूरी बॉडी के, यानी प्लेन सतह से ही बिल्कुल टूटा हुआ है। किससे निकालेंगे, टेप एक्सट्रैक्टर है। तो टेप एक्सट्रैक्टर है, ये देखिए यहाँ पे चार तरह की एक जाल लगी हुई है, ये आसानी से देखिए चार पॉइंट दिए हुए हैं, इस चार पॉइंट के अंदर ये जा चली जाएंगे और इस कॉलर को हम थोड़ा टाइट कर देंगे। ऊपर से देखिए यहाँ पे एक स्क्वेयर किया हुआ है, इसको रेंच के द्वारा या स्पेनर के द्वारा एंटी क्लॉकवाइज हम इसको घुमाएंगे, ठीक है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये टेप वापस दिशा में खुलते हुए बाहर आ जाएगा। तो ये है आपका क्या रहेगा, टेप एक्सट्रैक्टर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। टूटे हुए टेप, टेप नाम है यहाँ पे, टूटे हुए टेप को निकालने की विधियाँ। तो टूटे हुए टेप को कैसे निकाला जाता है, तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे दो तरह के, यहाँ पे स्टड लिखना था, क्या लिखना था, स्टड। टूटे हुए स्टड को कैसे निकाला जाता है, स्टड का मतलब क्या होता है, जैसे नट बोल्ट हमारा है उसका हेड टूट गया है तो उसको कैसे निकाला जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे भी डायग्राम दिखाया हुआ है, इसको हम स्टड बोल देते हैं क्योंकि इसका जो ऊपर का जो हेड है वो स्पेनर के द्वारा ऊपर से ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है। कई बार क्या होता है, ये देखिए नीचे से भी टूट जाता है, नीचे से टूटा हुआ है, इसको कैसे निकाला जाता है, क्योंकि टेप एक्सट्रैक्टर तो इसके अंदर लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उसके आगे भी चार तरह की जा लगी हुई थी, ठीक है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, पंच और हैमर के द्वारा स्टड को निकाला जाता है, यानी टूटे हुए बोल्ट को निकाला जाता है। दूसरी विधि क्या है, टूटे हुए बोल्ट को निकालने के लिए कई बार जंग लग जाता है और बोल्ट अंदर बॉडी का टूट जाता है, जैसे टूटा हुआ है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले ड्रिल करते हैं, क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं, और ये हमारा इसका क्या नाम है, ईजी आउट, क्या है, ईजी आउट। इसको भी हम क्लॉकवाइज यानी उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे ऐसे, तो ये हमारा जो अंदर जो टूटा हुआ ड्रिल है वो टूटा हुआ हमारा जो बोल्ट है वो बाहर आ जाएगा। साथ में ही इस विधि के द्वारा हम टेप को भी निकाल सकते हैं, ये देखिए ब्रोकन टेप, तो आप अंदाज़ा लगाइए किसी टेप के अंदर होल किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हाई कार्बन स्टील यानी हाई स्पीड स्टील का बना होता है और ड्रिल भी सेम धातु का बना होता है, इसलिए उसके अंदर ड्रिल नहीं किया जा सकता। तो प्रिय विद्यार्थियों ये जॉब है, इसके लिए हमें एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, हीट ट्रीटमेंट का एक चैप्टर मैंने पहले भी कराया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो, उसमें एक विधि थी उसका नाम था एनलिंग, ठीक है। तो इस पार्ट्स को या इस बॉडी के भाग को हम पूरा पहले गर्म करेंगे, उसके बाद हवा में इसको धीरे धीरे ठंडा होने देंगे, तो ये जो टूटा हुआ जो टेप जो है इस बॉडी के अंदर ये बिल्कुल नरम हो जाएगा, ठीक है ना। नरम होने के बाद इसके अंदर ड्रिल करेंगे, उसके बाद टेप एक्सट्रैक्टर लगाएंगे, इसको हम क्या काम करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे, ठीक है, इस हैंडल के द्वारा, तो ये हमारा टेप बाहर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो एक जो टेप होता है उसमें तीन तरह के सेट आपको मिलते हैं, तो पहले तो हमने इसकी जो आगे की जो टेप पर जो था, ठीक है ना, अब हम इनका एंगल देखेंगे। तो पहला हमारा टेप कौन सा है, टेप पर टेप, कौन सा है, टेप पर टेप। टेप पर जो टेप होता है इसकी कितनी चूड़ियाँ ग्राइंड की होती है, कितनी चूड़ियाँ आगे से, 7 से 10 चूड़ियाँ इसकी टेप पर की होती है, और कितनी डिग्री पर होती है, वो 4 डिग्री पर। दूसरा है हमारा
इंटरमीडिएट टेप। कौन सा है? ये इंटरमीडिएट टेप है और ये इसकी जो चुड़िया है 3 से 5 ग्राइंड की होती है, कितने डिग्री पे होती है? 10 डिग्री पे। और ये आपका प्लग टेप यानी फाइनल टेप यानी वोटविंग टेप, 3 तरह के नाम है, वोटविंग टेप और प्लग टेप और एफ का मतलब फाइनल टेप, तो 3 नाम रहेंगे। इसकी 1 या 2 चूड़िया आगे से टेपर यानी चैम्पर की होती है, कितने डिग्री पे होती है? वो 20 डिग्री पे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यह है आपका एडजस्टेबल डाई। ठीक है, तो यह भी एक तरह की एडजस्टेबल डाई है, इसके अंदर भी डाई को आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये देखिए डाई लगी हुई है इस तरह की डाई, और ऊपर देखिए गैप भी आपको नज़र आ रहा है, इसमें डाई का जो साइज रहेगा उसको बड़ा या छोटा आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद ये देखिए डाई नट। डाई नट का मतलब जैसे मान लो किसी भी बोल्ट की ऊपर की ये आपका बोल्ट है, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे ऐसे चूड़ियाँ कटी हुई है, ये चूड़ियाँ बार बार नट को टाइट करने से ख़राब हो चुकी है, तो इनको सही करने के लिए कई बार डैमेज हो जाती है ना, जैसे हैमर की चोट लगी तो ऊपर से ये चूड़ियाँ ऐसे ऐसे ख़राब हो जाती है, तो किसके द्वारा ठीक करते हैं? डाई नट, क्योंकि ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है, जैसे ही हम इसके ऊपर लगा के इसको टाइट करेंगे ना तो ये चूड़ियाँ दोबारा से बन जाएगी। उसके बाद में ये देखिए डाई प्लेट। डाई प्लेट का प्रयोग 3 mm, जैसे 3 mm का ये जो वायर होता है उसके ऊपर चूड़ी काटने के लिए डाई प्लेट का प्रयोग किया जाता है, 3 mm, 2 mm, 1.5 mm, या कई बार ये क्वेश्चन आता है कि तार जो होता है हमारा 3 mm कोई वायर है, अगर उसके ऊपर चूड़ी काटनी है तो किससे काटेंगे? डाई प्लेट के द्वारा। इसके ऊपर अलग अलग साइज़ के होल दिए हुए हैं, 1 mm, 1.5 mm, 100 mm, 2 mm, 3 mm, ठीक है ना। उसके बाद में ये देखिए एकरन डाई है। एकरन डाई का प्रयोग देखिए कहाँ पे करते हैं, समझाने का प्रयास करूँगा। यह आपकी क्या है, एक है पाइप है, ठीक है, गोल बना देता हूँ थोड़ा, दोबारा से ड्रा कर लेते हैं थोड़ा, ये ऐसे है, ये आपकी पाइप है, ठीक है। इस पाइप के अंदर एक ऐसा इस आकार का क्या लगा हुआ है, अंदर एक पाइप है, पाइप है और उसके अंदर एक छोटी पाइप है, इस पाइप के ऊपर हमें क्या करना है, चूड़ी काटनी है, ठीक है। तो इसके द्वारा काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते, क्योंकि ये डाई इसके अंदर लगेगी नहीं। तो ये एकरन जो डाई होती है, जो ड्रिल चक होता है ना, हमारी जो ड्रिल मशीन होती है, उसके द्वारा इसके ऊपर लगाकर आसानी से चूड़ी काटी जा सकती है, ठीक है ना। एकरन डाई का पता चल गया ना कैसे और कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो इसके बाद में ये रहेगी आपकी स्प्लिट डाई। तो नेक्स्ट आगे डायग्राम है, उसके बारे में मैं आपको समझाऊँगा। तो ये देखिए, तो ये आ गई आपकी 8 प्रकार की डाई। एक तो होता है आपकी राउंड सॉलिड डाई, जो मैंने आपको बताया था बिल्कुल सॉलिड होती है, ठीक है ना, उसको एडजस्ट नहीं किया जाता। उसके बाद में एडजस्टेबल डाई, जो कि 2 पीसीज हमारी डाई रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद में डाई प्लेट है ऐसे, इसके ऊपर अलग अलग तरह के इस तरह के होल कटे होते हैं, ठीक है ना, जो कि वायर के ऊपर करने के लिए। उसके बाद चेंजर डाई है, ये देख लेते हैं। और उसके बाद में आपकी राउंड स्प्लिट डाई, ये जो डाई होती है ना ऐसी होती है और ऐसी होती है, यहाँ पे एक कट होता है, इस कट के द्वारा एडजस्ट किया जाता है हल्का फुल्का, ठीक है ना। पाइप डाई, पाइप डाई का प्रयोग पाइप पर चूड़ियों काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में है आपकी एकरन जो डाई रहेगी, यह आपकी आधुनिक युग के अंदर या मास प्रोडक्शन करने के लिए एकरन डाई का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, ये आपकी स्प्लिट डाई, ठीक है, ये आपका डाई स्टॉक है और यहाँ एडजस्ट करने के लिए 3 तरह के शक्रु लगे हुए हैं। तो ये देखिए बिल्कुल हल्का सा एक कट है यहाँ पे, ठीक है, इस कट इसलिए दिया हुआ है जैसे इनको हम टाइट करेंगे तो ये जो गैप है ये बिल्कुल ही कम हो जाता है, ठीक है ना। हल्का फुल्का हम किसी पाइप के ऊपर अच्छी अगर चूड़ी बनानी है और अधिक गहराई में किसी सॉफ्ट पे अगर चूड़ियाँ बनानी है तो इसको थोड़ा टाइट करेंगे इन तीनों को, ठीक है ना, तो बिल्कुल ये इसका जो गैप है वो कम हो जाएगा। तो ऐसे हम इसको एडजस्ट कर देंगे। तो इसका क्या नाम रखा हुआ है? स्प्लिट डाई। ऐसी डाई कौन सी है जो कि इसके साइड में कट लगा हुआ होता है यानी गैप होता है। तो इसका डायग्राम भी अच्छी तरह आप देख लीजिए कैसे कैसे ये वाला कट। अगला प्रश्न ये देखिए, ये आपके हैं टेप हैंडल। तो ये देखिए सॉलिड टेप हैंडल है, इसके अंदर एक ही साइज का टेप लगाया जा सकता है, ये एडजस्टेबल हैंडल, इसको टेप रेंच भी बोलते हैं। तो इसमें अलग अलग तरह के टेप लगा सकते हैं। तो और ये है आपका टी हैंडल, टेप रेंच भी हम बोलते हैं। तो इस आकार का किसी भी अंदर के आराम या फिर हल्के फुल्के काम करने के लिए भी
इस तरह के टेप रेंच का प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन सा आपका डाइस्टॉक, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अब है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आने वाली परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। टूटे हुए टेप को निकालने की 5 विधियां, ठीक है। तो सबसे पहले कौन से आपके हैमर और पंच के द्वारा भी टूटे हुए टेप को निकाल सकते हैं, जैसे ये आपका होल है और इसके अंदर टेप टूटा हुआ है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, पंच और हैमर इस स्थान पे हम पंच को मारेंगे और धीरे धीरे उल्टी दिशा में घुमाते जाएंगे और हम पंच निकाल सकते हैं। उसके बाद में आपका टेप एक्सट्रैक्टर, मैंने बताया था टेप एक्सट्रैक्टर का डायग्राम भी आपने देखा था, ईजी आउट भी देखा था, जो स्टड के अंदर लगाया हुआ था ड्रिल करते हुए। और अगला जो ऑप्शन जो रहेगा वो है आपका एनेलिंग, जो कि गर्म करेंगे, उसके बाद में उसकी हार्डनेस समाप्त हो जाती है और उसके अंदर ड्रिल करके आसानी से टेप या स्टड को बाहर निकाल सकते हैं। अगला हमारा क्या है, एसिड यानी तेजाब, जैसे इसके अंदर ये देखिए चार खाने हैं यहाँ पे, इसके अंदर हल्का सा तेजाब डालेंगे और जो हमारी जो नीचे की जो बॉडी रहेगी पार्ट्स की उसके अंदर, ठीक है ना, ये तेजाब जाएगा और वो धातु का हल्का हल्का कटिंग कर देगा। फिर हम क्या काम करेंगे, पंच और हैमर की चोट से इसको बाहर निकाल देंगे। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है, जैसे ही हमारा ये टेप या फिर स्टड बाहर निकलता है, ठीक है ना, तो उस जो तेजाब आपका रहेगा वो अच्छी तरह साफ कर देना चाहिए, नहीं तो जो अंदर की जो चूड़ियाँ जो होल के रहेगी उसको ये खराब कर सकता है और टेप को भी खराब कर देगा। अगला प्रश्न यह है आपका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहेगा। M10 मल्टीप्लाई 1.5 के लिए ड्रिल साइज की गणना कीजिए। तो हमें ड्रिल साइज निकालना है, तो टेप साइज कितने का है, टेप हमने लिया है 10 mm का, कितने mm का, 10 mm का। पिच कितने की ली हुई है, ये देखिए यहाँ पे 1.5 की ले ली और एम टेप का मैंने 10 ले लिया, ये ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद में फार्मूला क्या है ये आपको याद रखना है, टेप साइज माइनस 1.23 मल्टीप्लाई पिच, ठीक है, ये आपका फार्मूला रहेगा। तो कई विद्यार्थियों के दिमाग में ये आया होगा कि 1.23 कहाँ पे कैसे आया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे मैं एग्जांपल तौर पे आपको बता रहा हूँ, जैसे आपकी पाई है, पाई को हम कितना लिखते हैं, 22/7 लिखते हैं, तो ये आपका क्या रहेगा, फार्मूला। मीट्रिक सिस्टम के लिए जितने भी आपको ड्रिल के साइज ज्ञात करने हैं तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1.23 से आपको मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, पिच के द्वारा। तो ये देखिए यहाँ पे 10 लिख दिया है मैंने, जो साइज दिया हुआ था माइनस कर दिया है, उसके बाद में 1.23 और मल्टीप्लाई 1.5 की गुणा कर दी है, मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आंसर आ गया गुणा करने से, ये वाला। अगर 3 0 है, देखिए 1 1 2 3 3 लगे हुए ना, तो 3 0 मैंने इस 10 के आगे लगा दी, 1 2 और 3। अगर इनको माइनस करेंगे तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा, ड्रिल साइज 8.155, ये आपका ड्रिल रहेगा। अगर हमें किसी होल के अंदर, ये आपका कितने का है, होल किया है, कितने का किया है, 8.15 का मैंने होल किया है, इसके अंदर टेप कितने का लगेगा, 10 का लगेगा, ठीक है ना। तो एम यानी मीट्रिक स्टैंडर्ड की हमारी कितनी बन जाएगी, थ्रेड्स 10 की बन जाएगी। तो राइट आंसर क्या आएगा, 8.155। अगला प्रश्न, टूटे टेप को निकालने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो टूटे हुए टेप कैसे निकाले जा सकते हैं, तो पंच और हैमर के द्वारा भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी विधि नहीं है वो, वेल्डिंग के द्वारा भी निकाल सकते हैं, तेजाब के द्वारा भी निकाल सकते हैं। सबसे बेस्ट कौन सी आपकी, बी आंसर रहेगा, टेप एक्सट्रैक्टर के द्वारा आसानी से टेप को निकाला जाता है। अगला प्रश्न, टेप कौन सी धातु के बनाए जाते हैं। तो टेप जितने भी हमारे कटिंग टूल है ना, 99% हाई कार्बन स्टील के वो बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा, सी। अगला प्रश्न, डाई के कितने चूड़ियाँ टेपर में होती है। जैसे हमारी जो डाई होती है उसकी मैंने आपको बताया था, कुछ चूड़ियाँ डाई की भी टेपर की होती है, चैम्पर की होती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, बी, यानी 3 से 4 चूड़ियाँ उसकी टेपर की होती है, ताकि पाइप के ऊपर वो आसानी से लग सके। अगला प्रश्न, डाई से चूड़ियाँ काटने से पूर्व, अगर हमें किसी पाइप के ऊपर, ये आपकी पाइप है या फिर रोड है, ठीक है ना, इसके ऊपर हमें चूड़ी काटनी है यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, रोड को ग्राइंड यानी 45 डिग्री के ऊपर फेस कर लेना चाहिए, यानी ये जो आगे का जो पॉइंट जो भाग रहेगा इसको 45 डिग्री के ऊपर चैम्पर कर लेना चाहिए, यानी थोड़ा टेपर कर लेना चाहिए, ताकि हमारे डाई है इसके ऊपर आसानी से ऐसे लग जाए। तो राइट आंसर क्या रहेगा, डी। अगला प्रश्न, डाई को उल्टा घुमाने से, मैंने बताया था ना पहले डाई को हम क्या काम करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और ये कह रहा है उल्टा घुमाने से क्या होगा। जैसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होगा,
चिप्स टूटकर गिर जाते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। डाई से चूड़ी काटते समय, तो डाई से चूड़ी काटते समय हमेशा उसमें लुब्रिकेंट का प्रयोग करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा, यानी मोबिल ऑयल डालना बहुत ही जरूरी है। अगला प्रश्न, डाई से चूड़ी काटते समय क्या करना चाहिए, उसको विपरीत दिशा में भी घुमाना चाहिए, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसे लगातार एक ही दिशा में घुमाना चाहिए, नहीं घुमाना चाहिए, उसे उल्टी दिशा, उसे जल्दी जल्दी घुमाना चाहिए, नहीं घुमाना, केवल क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए, नहीं घुमाना। तो राइट आंसर हमारा क्या है, बी। अगला प्रश्न, डाई कौन सी धातु की बनाई जाती है, तो डाई हमेशा हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आज आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं काफ़ी अच्छी तरह से, हर एक क्वेश्चन को मैंने बड़ा डीपली से लिया है, पूरा समझाने का प्रयास किया है। अगर प्रिय विद्यार्थियों, अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आपको मिलते हैं, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत।